हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स आप सभी का फ्यूचर टाइम्स के यूट्यूब और एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है सो फाइनली आपको मालूम है कि आरआरसी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन की डेट जो कि पहले ही अनाउंस हो चुकी थी सेवनटीन ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं हो जाएंगे आपके एग्जाम लेकिन इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर अवेलेबल भी है अगर मैं इस नोटिफिकेशन की बात करती हूँ तो इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि आर ग्रुप डी जो कि मल्टीपल फेजेज में एग्जामिनेशन होने वाला है जो आपको पता है कि सी बी एन सी बी एनटीपीटी वन का एग्जाम और टू का एग्जाम भी मल्टीपल फेजेस में हुआ था जब वो होना था एनटीपीसी का तो आर ग्रुप डी में तो उसमें कहीं गुना अधिक बच्चे हैं जो इस पेपर को देने वाले हैं इसलिए इसका अलग अलग फेजेस में होने वाला है तो अगर आपका फेज वन में नहीं होगा तो टू में होगा टू में नहीं होगा तो थ्री में होगा तो इंतजार कीजिए अच्छा है अगर आपका बीच वाले फेजेस में आता है तो अगर बात करती हूँ एनटीपीसी आपका आर ग्रुप डी के लिए जो फेज वन है वो कब कंडक्ट होने वाला है वो है 17 8 2022 से 17 अगस्त होकर 25 अगस्त को वो खत्म होने वाला है यानी कि 17 से लेकर 25 अगस्त के बीच में ग्रुप डी का देखना पड़ेगा। पे लिखा हुआ है कि यहां पर जब बात करते हैं कि जो फेज वन है वो अलग अलग कंट्रीज में सॉरी अलग अलग सिटीज अलग अलग शहर में होंगे देश के, क्योंकि अलग अलग शहर फेजेस अलग अलग जोन से आपने फॉर्म को सबमिट किया होगा तो अलग अलग आपके शहर में होने वाला है कंट्रीज uh, में नहीं होने वाला है अदरवाइज तो फिर आपको पता ही है है ना अगर बात करते हैं यहाँ पर तीन आरआरसी हैं जिनका नाम दिया हुआ है ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे साउथ सेंट्रल रेलवे एंड वेस्टर्न रेलवे का अगर बात करते हैं तो उनका इसी आपके फेज वन में इंक्लूड किया गया है इसके साथ यहां पर कुछ बातें दी हुई हैं कि आपका जो एग्जाम सिटी और डेट मतलब किस डेट को डेट तो मतलब 17 से आपका इस डेट के बीच में कौन सी डेट को आपका एग्जाम होने वाला और किस शहर में होने वाला है ये बात आपको कब बताई जाएगी ये आपको बताई जाएगी बच्चा यहाँ पर इसका लिंक आपका आ जाना है आरआरबी की सारी सारी की वेबसाइट पर कब आ जाना है 9 आठ 2022 को यानी नौ तारीख को आपका पता लग जाएगा कि भैया आपका किस शहर में है और इसमें से इस कौन से इस फेज वन के कौन से डे को आपका एग्जाम होने वाला है कौन से डेट को होने वाला है इसके बाद जो आपका ई कॉल लेटर है यानी कि एग्जामिनेशन का जो आपका कॉल लेटर होता है वो कब वो एग्जाम के चार दिन पहले आप डाउनलोड कर पाएंगे यानी कि 17 अगस्त को है एग्जाम तो मान के चलिए चार दिन का मतलब हो गया फोर्टीन अगस्त के लमसम फोर्टीन या फिफ्टीन अगस्त है तो शायद उस दिन लेट या फिर आ, हो सकता है कि आपका 13 अगस्त को ही आपके सामने आ जाए 13, 14, 15, 16, 17, 13 यानी 13, चौदह के लमसम आपके सामने आ जाएगा है ना

मतलब कि संडे जो आपका कमिंग संडे है उसको आपका एक पूरा का पूरा जिस तरीके का पेपर आएगा उसके जैसा का जैसा हमने एक पेपर सेट करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे फ्यूचर टाइम्स कोचिंग की एप्लीकेशन पर आपको यहां पर एक टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं और जिस टेस्ट को मैं अगर बता दूं संडे को होने वाला है सात कि संडे को सुबह दस से बारह दस से बारह दो घंटे के बीच में आप किसी भी समय जाकर दे सकते हैं आप दस दस पे दे सकते हैं साढ़े दस पे दे सकते हैं जैसे मिनट्स का पेपर पेपर आता है है ठीक वैसे ही आपका आपका पर ये आपका पेपर होने वाला है। इसका जो रिजल्ट है वो एक बजे आप उसी वेबसाइट पर उसी एप्लीकेशन पर आप देख पाएंगे जब बात करती हूं कैसे देना है आपको एकदम पेपर के जैसा परीक्षा समय के पास बिल्कुल पेपर का जैसा जैसे आपका पेपर आता है मैथ्स रीजनिंग साइंस और आपका जीके जीएस वाला पार्ट ठीक वैसा ही आपको मिलने वाला है जितना हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो आपको लैंग्वेज है उस तरीके से आप उसको दे सकते हैं इस टेस्ट को बिल्कुल मिस मत करना और इसका हम लोग सोल्यूशन भी जैसे इस संडे को हुआ ना तो उसके दो या तीन दिन के बाद इसका सोल्यूशन भी हम यूट्यूब पर आपको करवाएंगे कि कैसा पेपर आया था और जो टॉप टेन रैंकर होंगे उसका नाम भी हम हमारी एप्लीकेशन पर लगाते हैं विद स्कोर कि उसका स्कोर क्या हुआ है और उसके बाद उसको कुछ प्राइज मनी भी हमारी तरफ से प्राइज मनी हो सकता है कुछ भी हो सकता है रिवॉर्ड के रूप में आपको दिया जाएगा राइट अभी पेपर के, आपको टेस्ट पेपर देना कैसा है उसके बाद में मैं आपकी बात करूंगी लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं आरआरसी ग्रुप डी के लिए तो सारी की सारी जो टेस्ट सीरीज हैं जो फोर डबल नाइन की टेस्ट सीरीज थी उसको आप अगर एक्सेस करना चाहते हैं वन फिफ्टी सेट को तो आप हमारी एप्लीकेशन पर जाकर रिपुस फिफ्टी फाइव में आप आरआरसी ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं क्योंकि बच्चा अब मॉक टेस्ट ही है जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो आप बहुत ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन है बहुत सारे बच्चों को कंप्यूटर का फोबिया होता है उसकी स्क्रीन उनकी आ, स्क्रीन पर देखने से उनकी आँखें आँखों में पानी आने लग जाता है कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाते हैं स्क्रीन को अच्छे से देख नहीं पाते हैं और किस टाइप कितना क्या एक्यूरेसी है आपकी कितने क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पा रहे हैं कितने स्किप कर पा स्किप कर रहे हैं कौन सा पार्ट आपका कमज़ोर है ये सिर्फ आप टेस्ट से देकर ही आप पता लगा सकते हो आप टेस्ट देने के लिए चाहे वो टेस्ट सीरीज हो चाहे आपका लाइव टेस्ट है ये देने के लिए आप सबसे पहले फ्यूचर टाइम्स कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से जैसे ही आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया वहां पर आपको जाना है टेस्ट सीरीज वाले कॉलम में अगर आपको लाइव टेस्ट देना है तो उसके रजिस्ट्रेशन आपको अभी से करने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं आपको सबसे पहले जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आप पेपर नहीं दे पाएंगे है ना के कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पे राइट एंड साइड में आपको, दिखागा. करके आपको एक दिखेगा. और जैसे ही आप अगर आपने पहले से आपके एक आईडी और पासवर्ड बना हुआ है तो उससे लॉग इन कीजिए अदरवाइज आपसे साइन अप में अपना नाम मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा ओटीपी से वेरीफाई कर लीजिएगा और लाइव टेस्ट के लिए अभी से रजिस्टर कर लो बहुत सारे बच्चे हैं कम से कम सात से साढ़े सात हजार बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो जल्दी जाइएगा फ्यूचर टाइम्स कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करो टेस्ट सीरीज वाले कॉलम में जाना है लाइव क्लास में लाइव क्लासेस होती हैं वीओडी वाले सेगमेंट में वीडियोस मिलती हैं आपको टेस्ट सीरीज वाले कॉलम में जाओगे तो वहां पर आपके पास बटन होगा राइट एंड साइड में देखिएगा रेड कलर का बटन लिखा हुआ होगा लाइव टेस्ट लाइव टेस्ट में जाकर रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन जो करेगा वही रविवार की सुबह दस से बारह के बीच में आप पेपर दे पाओगे सिर्फ दो घंटे के बीच में आप पेपर दे सकते हो उसके ना पहले ना उसके बाद ए आपकी ऑटोमेटिक ये पेज है वो बंद हो जाएगा है ना आप अपना रिजल्ट देख सकते हो बाकी सबका रिजल्ट देख सकते हो टॉप टेन कौन है उनके उनके नाम क्या है उनके कितने मार्क्स आए हैं सब कुछ वहां पर आपको दिखेगा और टेस्ट सीरीज भी अगर आपको लेनी है तो वहां पे प्रोमो कोड नीचे अप्लाई हो रखा होगा वो प्रोमो कोड देख लीजिएगा या फिर यही हो सकता है यही अमाउंट आपको वहां पे रिफ्लेक्ट होगा सिर्फ फिफ्टी फाइव रुपीज में टिल एग्जामिनेशन आप एग्जामिनेशन तक मतलब आगे आने वाले तीन चार महीने तक आपकी वैलिडिटी रहेगी और आप ये कोई भी टेस्ट सीरीज फिफ्टी फाइव रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हो एक सौ एक सौ पचास सेट आपको मिलने वाले हैं जिसमें प्रीवियस ईयर भी हैं मॉक टेस्ट भी हैं है ना और बाकी अगर बात करते हैं तो फेज़ वन के एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है 17 अगस्त से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे फेज़ वन में अगर आपका नहीं आता है तो फ़ेज़ टू में आएगा फ़ेज़ टू में नहीं है तो फेज़ थ्री में कम से कम आठ से दस फेज़ तो होने वाली है क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा है पेपर देने वाला मैं उम्मीद करती हूँ अगर आपको कोई थ्योरी वाला पार्ट कमजोर है तो थ्योरी वाले पार्ट के लिए आप वी सेगमेंट में जाकर आप आर ग्रुप डी के लिए वी बने हुए हैं प्रैक्टिस के लिए थ्योरी मैथ्स की रीजनिंग की साइंस की जी की वो देख लीजिए आप है ना बाकी आपके YouTube पे मैं क्लासेस लेती रहती हूँ डी पी सर मैथ्स ले रहे हैं रीजनिंग भी स्टार्ट हो चुका है शनिवार इतवार को आपको रीजनिंग और जी की मैराथन भी लगी हुई है उनको भी आप देख सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा लग जाइए जिस चीज का तीन साल से इंतजार किया था फाइनली आपका वो दिन आ चुका है मेरी तरफ से आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स और लग जाओ यार बस ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दो है ना ठीक है बढ़िया तरीके से लग जाइए कोई भी डाउट हो किसी तरीके क्वायरी हो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा थैंक यू सो मच एंड ऑल दी बेस्ट